हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री बी। मैं हूं गरिमा और आज हम डिस्कस करेंगे कि आईबीपीएस एसओ एएफओ एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए रीजनिंग सेक्शन के लिए। इस एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग सेक्शन के और ये एग्जाम 28 दिसंबर को है। आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम है इस एग्जाम के लिए। इस सेक्शन में अच्छे स्कोर करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, उसके पहले इस सेक्शन का कट ऑफ कितना जाता है और लेवल क्या होगा ये हम डिस्कस करते हैं। 2018 में इसका जो रीजनिंग सेक्शन का कट ऑफ था 10 था, 2017 में ये कट ऑफ 11 था। दैट मीन्स कि पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इन रीजनिंग सेक्शन, तभी ये कट ऑफ इतने लो गए हैं। ओवरऑल कट ऑफ भी अगर हम देखें तो 22.25 28.63 था आउट ऑफ 125, तो ये काफी कम है। दैट मीन्स कि लेवल डिफिकल्ट होगा और इस ईयर तो लास्ट ईयर से काफी कम वैकेंसीज हैं। इस ईयर 670 वैकेंसी है आईबीपीएस एफओ के लिए, तो इस बार और कट ऑफ हाई जाने के चांसेज हैं। तो आपको किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है वो हम देखते हैं। अगर हम लास्ट 2 इयर्स के एग्जाम एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस पेपर का एक्सपेक्टेड पैटर्न देखेंगे क्या होगा, तो ये सारे टॉपिक्स आ सकते हैं। 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग सेक्शन में और 50 मार्क्स के होते हैं। इनके लिए 40 मिनट्स का टाइम दिया होता है। इसका मतलब कि आईबीपीएस एएफओ के लिए सेक्शनल टाइमिंग है 40 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन। जैसे रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश सबके लिए 40 मिनट्स का टाइम फिक्स होगा अलग अलग, और टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट्स का है इस एग्जाम का। लास्ट 2 इयर्स में इस एग्जाम में 20 से 25 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन पूछे गए थे आउट ऑफ 50। ऑलमोस्ट 50% वेटेज जो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक का है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस रेगुलर करनी पड़ेगी। इसके अलावा सिलोलिज्म के भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट 2 इयर्स में, और ये ई स्लॉट में पूछे गए थे सिलोलिज्म के क्वेश्चन। और सिलोलिज्म में भी अब बहुत सारे न्यू टाइप के पैटर्न इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जैसे कुछ वर्ड्स यूज होते हैं फ्यू, ओनली फ्यू करके, या फिर जो रिवर्स सिलोलिज्म होता है कि जिसमें कंक्लूजन दे रखा होता है और आपको स्टेटमेंट फॉलो करनी होती है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकल पाएगा, तो ये ऐसे वाले भी आ सकते हैं एग्जाम के लिए, तो आपको इनके लिए भी प्रिपेयर करना होगा। फिर इनइक्वालिटी के भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट 2 इयर्स में। इसमें भी कोडेड और डायरेक्ट इनइक्वालिटी दोनों टाइप होती है, आप इन दोनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोडेड के लिए आप एक जगह लिख दो सारे सिंबल्स का मतलब, क्रेडिट का मतलब होगा इक्वल टू, या डॉलर का मतलब होगा ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इनको क्विकली सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि आप एक जगह इन सिंबल्स का मीनिंग लिख दो रफ साइड में और उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग के भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे किसी किसी स्लॉट में। तो इसमें भी क्या है कि एक तो ट्रेडिशनल पैटर्न के जो क्वेश्चन आते हैं इनपुट आउटपुट या कोडिंग डिकोडिंग को, जिनको सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है, ट्रेडिशनल न्यू पैटर्न वाले आ रहे हैं कि नंबर लेटर और सिंबल बेस्ड होते हैं, या फिर इनपुट आउटपुट में हर स्टेप में अलग अलग लॉजिक कुछ लग रहा होता है, तो उसको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो भी हम नेक्स्ट 6 वीक्स में अल्टरनेट एक इनपुट आउटपुट का सेट और एक कोडिंग डिकोडिंग का सेट अल्टरनेट वीक में प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा वर्बल रीजनिंग जो होती है, जैसे कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन और डेटा सफिशियंसी, इन दोनों टॉपिक के मिला के 10 to 12 क्वेश्चन आए थे। किसी किसी शिफ्ट में अगर डेटा सफिशियंसी नहीं पूछी गई थी तो वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड ही 10 क्वेश्चन आ गए थे। इसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक के भी 5 to 8 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस एग्जाम में फ्रेंड्स। इसमें डायरेक्शन, रिलेशनशिप, ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड, अल्फाबेट बेस्ड या डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन जिसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर्स या लेटर्स के बीच का डिस्टेंस हमें बताना होता है। ये जो 5 टॉपिक्स यहाँ पर दे रखे हैं 25 क्वेश्चन की, ये बहुत आसान होते हैं। अगर आप पहले इनसे स्टार्ट करो तो आप इजिली इस सेक्शन में फिर 30+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। बस इनके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा फिर आप पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस के लिए हम आपको अल्टरनेट इन ईच वीक इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग का एक सेट प्रोवाइड कराएंगे। उसके अलावा हर वीक में एक हम पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट या सिलोलिज्म या फिर डेटा सफिशियंसी और मिसलेनियस के वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इसका मतलब कि एक वीक में हम आपको 2 वीडियोस देंगे रीजनिंग सेक्शन के प्रिपरेशन के लिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चन जिसमें रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट examb.com पर IBPS AFO के लिए ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें 100+ स्टडी नोट्स प्रोवाइड कराते हैं एफओ के लिए। उसके अलावा 10 मॉक टेस्ट देंगे जो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए होंगे। इसके अलावा लाइव क्लासेज भी होंगी जहां पर एक्सपर्ट फैकल्टी आपको न्यू पैटर्न के क्वेश्चन और कुछ ट्रिक्स वगैरह बताएंगे, वहां पर अपने डाउट भी आप पूछ सकते हो। ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल होगा एग्जाम में। अगर आपने अभी तक ये कोर्स परचेज नहीं किया है तो आप इसका डेमो एक्टिवेट करके देख सकते हैं कि इसमें जो मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं वो किस तरह का है और एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी इससे किस तरह से हेल्प होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।